आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को हत्या की कोशिश के मामले में 10 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक नितेश राणे को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उनसे कहा कि पहले आत्मसमर्पण करें और फिर जमानत याचिका दायर करें। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नितेश राणे की अग्रिम जमानत याचिका का निस्तारण करते हुए उन्हें 10 दिन के भीतर निचली अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया और कहा कि इस मामले में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल करें। आपको बता दें कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिले की कांकवली सीट से विधायक है और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे हैं। नितेश ने संतोष परब नामक एक व्यक्ति पर कथित हमले के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। नितेश ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। नितेश ने उनके खिलाफ सिंधुदुर्ग पुलिस द्वारा दिसंबर 2021 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 307 हत्या का प्रयास, 120B आपराधिक साजिश और 34 सामान्य इरादे के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मांगी थी। कनकवली के भाजपा विधायक नितेश राणे ने दावा किया था कि उन्हें राजनीतिक कारणों से झूठे मामले में फंसाया गया था, जबकि पुलिस ने दावा किया कि नितेश शिवसेना कार्यकर्ता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी और मुख्य साजिशकर्ता है। नितेश राणे ने इस मामले में जांच कर ली सिंधुदुर्ग पुलिस से पेश होने की नोटिस मिलने के बाद 25 और 26 जनवरी को पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दर्ज कराया था। कणकवली पुलिस स्थानकडून आणि सिंधुदुर्ग पोलिसांकडून मला 24, 25, 26, 27 साठी 51 ची नोटीस 91 ची नोटीस दिली गेली होती। त्याप्रमाणे मी 24 तारखेला हजर झालो होतो, त्याप्रमाणे 25 तारखेला हजर झालो होतो आणि त्याप्रमाणे आज 26 तारखेलाही हजर झालो आहे आणि उद्याही मी इथे हजर होणार आहे। पोलीस तपासामध्ये पूर्ण पद्धतीने सहकार्य मी करीन असं मी पहिल्या दिवसापासून जो शब्द दिलेला होता त्याप्रमाणे पोलिसांच्या म्हणण्याप्रमाणे आणि बोलवण्याप्रमाणे मी त्यांच्या दिलेल्या वेळेमध्ये मी उपस्थित इथे झालेलो आहे। याही पुढे जिथे जिथे पोलिसांना माझं सहकार्य लागेल तिथे सगळीकडे मी सहकार्य करण्यासाठी तयार आहे। 27 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये माझा अर्ज दाखल झालेला आहे आणि उद्या त्याच्यावर सुनावणी आहे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।